तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हमारे पास है पोको का M3 मॉडल। तो दोस्तों अगर आपका पोको का M3 मॉडल स्लो चार्जिंग करता है तो आप उसको कैसे सही कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों आपने अपनी जो आपकी अपनी जो डाटा केबल आप यूज़ करते हो, अपना जो चार्जिंग अडाप्टर यूज़ करते हो, वो आपका ओरिजिनल होना चाहिए। अगर दोस्तों आप डुप्लीकेट यूज़ करते हो तो वो थोड़ा जो है वो आपको टाइमिंग का फ़र्क उसमें आएगा और वो कम चार्ज करेगा। तो अगर आप ओरिजिनल यूज़ कर रहे हो तभी भी आपका जो फ़ोन है वो स्लो चार्ज कर रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको जहाँ पर देखना है जहाँ पर आपकी जो चार्जिंग का ये जो जैक होता है इसको, इसमें आपने देखना है, इसमें जब कचरा चला जाता है तो हमारा जो चार्जिंग है वो स्लो करना स्टार्ट कर देता है। हमारी जो वोल्टेज है वो जहाँ पर ड्रॉप हो जाती है और जो पूरी वोल्टेज है वो फ़ोन के अंदर नहीं जा पाती और हमारा जो फ़ोन है वो स्लो चार्ज करना शुरू कर देता है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा पेट्रोल लेना है जो कि आपके सबके घरों में मिल जाएगा। तो एक लेना है टूथब्रश, तो हल्का सा आपको इसके साथ लगाना है। लगाने के बाद दोस्तों आपको इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है ताकि ये जो ज़्यादा पेट्रोल है आपके फ़ोन के अंदर ना जाए, और इसको अच्छे से आपने साफ़ कर लेना है जैक को, ठीक है। तो इसको अच्छे से साफ़ करने के बाद दोस्तों आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन जो है वो 100% जो है वो हो जाएगा।